हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑल टाइम क्लासेस सहारनपुर चैनल पर। दोस्तों, मैं संजीत उमर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आपके लिए हमने जो यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच बनाया है, मैं चलाया है दोस्तों, उसकी एक क्लास लेकर आया हूं। आज की ये क्लास किससे रिलेटेड है? ये क्लास आपकी रिलेटेड रहेगी यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस से, ठीक है ना? तो जल्दी से दोस्तों तैयार हो जाइए इस क्लास के लिए। चलिए इस क्लास को देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बस आपके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि अगर दोस्तों आप इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, तो दोस्तों इससे पहले हमने बेसिक क्लास बनाई है, प्लीज़ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक क्लास ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बेसिक क्लास के थ्रू होगा ये कि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगी किस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना? और कितने टाइप के मेथड हो सकते हैं, कितने तरीके से यूज किया जा सकता है। तो खैर, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो आज के विचार के साथ शुरुआत करते हैं। आज का विचार क्या है? हर सुबह आपके पास दो विकल्प होते हैं, अपने सपनों के साथ सोना जारी रखें या उठकर उनके पीछे या उनका पीछा करें। तो ये बात सच है दोस्तों कि आपके पास इसी तरह से दो विकल्प होते हैं। अगर आप इसी तरह से समय व्यर्थ करते रहोगे और जैसे सोने में ज़्यादा समय व्यर्थ करते रहोगे, तो आपके सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे, बस आप नींद वाले ही सपने देख पाओगे। सपने वो होते दोस्तों जो आपको सोने से सोना ना दें, समझ गए ना, जो सोने से भी जगाए आपको। तो सपने क्या हैं? जो आपको सोने ना दें। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सपने की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए अपने सपनों की तरफ जाग के होश हवास में, ना कि सो के काम करा जाए। तो ठीक है ना दोस्तों, इसी भाव और इसी विचार के साथ आज की क्लास शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और शुरुआत करने से पहले एक चार्ट दिया गया, इस चार्ट को समझते हैं। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने हाल ही में ट्वेल्थ किया है। क्यों लगाया गया ये चार्ट, क्यों दिखाया गया, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हाल ही में ट्वेल्थ किया और ज़्यादातर जो परेशान रहते हैं, किस बात से जो परेशान रहते हैं, इस वजह से कि क्या ये मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है ना? अगर मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे सही तरीके से मेरा सिलेबस भी सही समय पर ख़त्म हो जाए और मेरी जो जानकारी है वो भी पूरी हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं ये जो डिपार्टमेंट देगी, इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर इस टॉपिक मिलने वाला है, ये टॉपिक मिलने वाला है, ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाती है, धारा के विपरीत है। तो बी माइनस डब्लू की अगर बात की जाए यहाँ पर, किसकी, बी माइनस डब्लू, तो बी माइनस डब्लू में क्या है आपका, ये है 40/8, तो 8×45 और b प्लस w, तो ये कितना है 6 घंटे में, तो 36 है इस बार, कितना है 36, एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे है 36/6, तो यहाँ पे मिला कितना 6। सपोज b की वैल्यू पूछी गई तो b की दोनों को ऐड करके दोनों से डिवाइड कर दीजिए, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल रही बी, ठीक है ना? अब नेक्स्ट पर चलते। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है। धारा की दिशा में कितना, 27 किलोमीटर। यदि प्रत्येक दशा में उसे 4 घंटे लगते हैं, यहाँ पे 4 छूट गया दोस्तों, कितना 4 घंटे लगते हैं, यदि प्रत्येक दिशा में उसे 4 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। चलिए क्या कहा गया दोस्तों, तो b माइनस डब्लू बराबर 11/4 और b प्लस डब्लू ये कितना, 27/4 दोस्तों, 27/4। b की वैल्यू अगर देख ले जाए तो दोनों को ऐड करके कितना मिल जाएगा, ये 38 है ना, तो 38/4 कितना रहेगा, ये हो जाएगा बी की वैल्यू। वैसे तो हमें डब्लू की वैल्यू चाहिए, बस हमें बी से मतलब ही नहीं, तो डब्लू चाहिए तो दोनों को घटाएगा, 2 से भाग कर दो, घटा दोगे तो क्या मिलेगा,
यहाँ पे मिला 6 16/4, तो 4 मिला, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन क्या रहा, बी ऑप्शन आपका ठीक है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति, यह किसी स्थान ए से बी तक धारा के अनुकूल और धारा के अनुकूल जाने तथा वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है, दूरी कितनी? तो अगर धारा के साथ गया तो ऐड कर दोगे, और धारा के अगर अपोजिट रहा तो क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो कितना रहा 6, और 3 घंटे का समय। तो जाहिर सी बात यहाँ 2 की गुणा एलसीएम ले लिया बस आपने, 3AB बराबर कितना रहा 12, तो 3 3 से 3 कैंसिल, तो 12 किलोमीटर रहा आंसर आपका, ठीक है ना, बी ऑप्शन ठीक है। एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है, कितना जाती है, धारा के साथ और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है, ठीक है, मतलब कि कुल है 8 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर जो था, तो 4 किलोमीटर इसका मतलब धारा के साथ था, है ना, धारा के साथ था। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई टाइपिंग में, तो सपोज करो कि 1 किलोमीटर प्रति, धारा की गति कितनी है 1 किलोमीटर प्रति, तो यहाँ पर सपोज उसकी एक्स थी तो एक्स प्लस वन हुआ, और यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर भी 4 वापस, तो एक्स माइनस वन, तो कितना हुआ 3 घंटे का समय, ठीक है ना। उसके बाद 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेगा एक्स माइनस वन और प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, बटे में कितना रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक, और बराबर कितना रहा 3, ठीक है ना। यहाँ पे 1 से 1 कटा, ये कितना हो गया 2x, तो ये 8 हुआ, बस यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। अदरवाइज आप इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर जब भी सोल्व करो, तो जब भी ज़्यादातर जब भी सोल्व करने होंगे यहीं का यहीं ऑप्शन के थ्रू किया करो, जैसे ये ऑप्शन है यहाँ पे वैल्यू रखो जिससे पूरी वैल्यू कैंसिल आ जाए। देखो यहाँ पे ऑप्शन रखा मैंने 3 रखोगे, ये 3 और 1 4, 4 से कटा यहाँ पे 1 मिला, और यहाँ पे 3 रखा घटा 2, 2 से कटा तो 2, तो साइड की वैल्यू मिली, तो यही ऑप्शन आपका ठीक है। तो ऑप्शनल मेथड से अगर आप करोगे सोल्व तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, वरना दोस्तों प्रॉब्लम होगी आपको। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट की। एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में 3 घंटे लेता है, ऐसा कहा गया कुछ, क्या कहा गया, बी माइनस डब्लू 3/3, तो कितना मिला 1 किलोमीटर, बी प्लस डब्लू ये कितना हो गया 15/3 यानी 5। तो अगर बी डब्ल्यू की वैल्यू पूछी गई तो दोनों घटा कर 2 से भाग कर दीजिए, घटाओगे तो 4, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहा, तो बी ऑप्शन आपका ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 खेने में 11 से 1/4 मिनट का समय लेता है, ठीक है, और वापस लौटने में 7.5 मिनट लेता है, स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। अच्छा, तो पहली बात तो यह है, यहाँ पर कहा गया 3/4 खेने में, 3/4 की अगर बात की जाए तो 3/8, ये अनुकूल है, यानी बी प्लस डब्लू रहेगा, बी प्लस डब्लू 3/4, एक मिनट हो जाओ दोस्तों, ये थोड़ा छोटा लिखना होगा, बी प्लस डब्लू बराबर 3/4 नौका के विरुद्ध, है ना, तो 3/4 गया और इसमें समय लिया कितना उसने 1/8, तो ठीक है, अभी से कन्वर्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी हिसाब से बी माइनस डब्लू, तो यहाँ कितना बचा 3/4 और 3/16, तो यहाँ पर मिला 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो हमें किसकी गति पूछी गई, तो व्यक्ति की गति ज्ञात कीजिए, व्यक्ति की गति, तो व्यक्ति की गति की बात आई तो बी निकालना, बी निकालने दोनों को जोड़कर 2 से भाग यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन क्या रहा, डी ऑप्शन ठीक है आपका, ठीक है ना।
चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्या कहा गया ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नाव की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह एक स्थान पर जाकर और वापस आने में 50 मिनट का समय लेता है। तो ठीक है, तो दूरी पूछी गई उस स्थान की दूरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दूरी है तो ए बी बराबर गया तो चाल क्या होगी ऐड 7.5 है तो ये हो गया कितना 9, और ये है बी ए तो बी ए बराबर कितना होगा यहाँ पर हो जाएगा कितना आधा से आधा घटा तो 6 बच जाएगा, है ना। तो इसके बाद कितना बचा 50 मिनट, तो इसे भी बटे में 60 लिख कर ये बना आपका। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ज़्यादा अच्छा। एलसीएम कितना रह जाएगा यहाँ पे, तो 18 एलसीएम ठीक रहेगा। तो 18 तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो 18 ये हो गया 5 AB बटे कितना मिला यहाँ पे 5 AB बटे 18, ठीक है ना। यहाँ पे 5 बटे 5 से 5 कैंसिल 36 किलो, तो AB बराबर कितना मिला 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए आपका ठीक रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ऑप्शन ए ठीक है। एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर एक घंटे में जाता है, तो विपरीत था ना, तो क्या कर दोगे B-W, तो 2 किलोमीटर गया एक घंटे में, ठीक है। और धारा की दिशा में 20W 1 बटे 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 10 मिनट को लिखोगे आप 60, तो यहाँ यानी ये आ जाएगा 60 से मल्टीप्लाई कर दी किलोमीटर प्रति घंटे में हो गई आपके। तो रुके पानी में यानी B की वैल्यू निकालनी है रुके पानी में, तो B की दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी B की वैल्यू। रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, तो समय बराबर होगा क्या दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 5 और 4 कितनी है ये, तो इसे देख लीजिए तो क्या बन जाएगा 1/1/4 यानी 1 घंटा 15 मिनट में। कितना टाइम रहेगा आपका 1 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक नाव प्रवाह के विपरीत पी से क्यू तक और अनुप्रवाह दिशा में क्यू से पी तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। कितने में? 3 घंटे में तय करती है। तो चलिए, स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति धारा की 12, तो अगर पी से सपोज करो कि क्यू की साइड में चलती है, किधर से? पी से क्यू की साइड में, तो ये रही 12 और पी से क्यू की साइड में ये रही 6, कितने घंटे का समय लगेगा? 3 घंटे का, 2 घंटे, तो कितना हो गया 3PQ/12, ठीक है ना। ये कितना 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो PQ बराबर आपका रहा 12 किलोमीटर। कितना रहा? PQ बराबर 12 किलोमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन रहा सी, 39 का ऑप्शन क्या था? सी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर तथा अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुप्रवाह में तय करने में 6 घंटे इतना मिनट लेती, तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसे सोल्व कर देंगे वैसे तरीके से। सोल्व कैसे करोगे? तो मान लिया कि आपका कितना गया 24 किलोमीटर, है ना, प्रतिकूल, तो B-W, और 36 किलोमीटर B+W, और टोटल समय लगा 6 घंटे का। उसके बाद 36 किलोमीटर B-W, उसके बाद कितना 24 किलोमीटर B+W, और ये 6.5 घंटे में 13/2, ठीक है ना। 6.5 घंटों क्या कह दोगे? 13/2। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, अब वैल्यू सेम करनी है बस। वैल्यू कैसे सेम करनी है? यहाँ 24 है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो 24 + 72, इस सारी वैल्यू में 3 की मल्टीप्लाई कर दो,
और यहाँ पर कर दीजिए 2 की 24 72, तो सेल कंप्लीट हो गई, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसे घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, ये इसमें से घटाने के बाद, यानी कहने का मतलब ये है बी प्लस डब्ल्यू इस तरीके से सोल्व करना, तो बी प्लस डब्ल्यू बराबर आपको क्या मिला, यहाँ पर बी प्लस डब्ल्यू बराबर आपको मिला कितना, 8, कितना मिला 8। अब 8 मिला तो यहाँ रख दे दिए, 8 यहाँ पर सेकंड वाले में मिला, 8 या 24 3, तो 3 अगर इसमें से घटाओगे 6.5 मिलता, तो 3/2 यानी 7/2 बच जाएगा, है ना। तो और यहाँ से बी माइनस डब्ल्यू कितना बच जाएगा, बी माइनस डब्ल्यू बच जाएगा, बी माइनस डब्ल्यू बचा 12। ठीक है, इस तरीके से सोल्व होगा ये। अगर ये इतना सोल्व कर दिया आपने तो होगा क्या, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों को अगर बी की वैल्यू निकालनी तो दोनों को ऐड कर कर 2 से भाग कर दे, बी से तो 10 मिलेगी, ठीक है ना। और अगर डब्ल्यू की निकालनी है आपको, ठीक है, डब्ल्यू की, तो वैसे किसकी, इसी की पूछी थी, गई थी बी की, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, ऑप्शन सी रहा दोस्तों आपका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया देखिए, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर अनुकूल 8 घंटे में लौट आता है, खड़े पानी में नौका की धारा 4 गुना है चाल की धारा से। तो ठीक है, जैसा कहा गया ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कि वो 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर अगर 7-7 गया, और चाल थी अगर इसकी x थी तो कि इसकी कितनी हुई 4x, और वो ही 30 किलोमीटर अपोजिट आया तो 4x-x, तो बराबर कितना लगा समय, 8 घंटे का समय, तो 30/5x और प्लस के 30/3x बराबर कितना रहा 8, तो कितना रहा 5×30, और यहाँ कितना रहा 10/x बराबर 8, तो ये कितना हो गया 16/x, ये हो गया 8, 8×16 x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, एक व्यक्ति स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यहाँ पे क्या कहा गया दोस्तों ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, एक मिनट हो जाइए, ये तो हो गया ना दोस्तों, ठीक है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नौका चलाता है, 7 है उसकी स्पीड, उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है, तदनुसार धारा की गति क्या होगी। अच्छा देखो, सपोज अगर 7 है उसकी पानी की 7 चलने की स्पीड, तो 7+W, सपोज अभी पानी के 7 है तो 1 घंटे का समय लिया, अगर पानी के अपोजिट है तो समय लेगा 2 गुना यानी 2 घंटे का। तो हमने किया 7+W और यहाँ हो गया 14-2W, इधर जुड़ जाएगा 3W, इधर घट जाएगा तो कितना 7, तो W बराबर कितना मिला 7/3, तो 7/3 कितना होगा 3×6, तो तकरीबन अगर देख लिया जाए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जो आंसर मिला 3×6 1/3, ये ऑप्शन मिला। तो ये दोस्तों ये गलती से टाइप हो गया, ठीक है ना, इसे डी ऑप्शन ठीक कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट पर, यहाँ पर क्या है, एक मोटर बोट स्थल ए से स्थल बी तक और फिर वापस चलती है, दोनों स्थल नदी के किनारे स्थित हैं, यदि स्थिर जल में बोट की चाल दुगनी कर दी जाए तो 20% अधिक समय लगेगा मूल यात्रा से, वास्तविक चाल क्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आइए
कर देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी बस दोस्तों लेंथी। सपोज़ करो कि एक्स डिस्टेंस थी, एक्स तो ठीक नहीं रहेगा, के मान लो, के डिस्टेंस थी और आप चले बी प्लस डब्ल्यू के हिसाब से। एक मिनट एक्स ही मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बी प्लस डब्ल्यू जब हमने लेट कर लिया, एक्स डिस्टेंस थी और ये हो गया बी प्लस डब्ल्यू। फिर आपने एक्स ही डिस्टेंस वापस आए बी माइनस डब्ल्यू, इसका 20% जो है दोस्तों, इसका 20% रहा किसके कंपेरिजन में, इसके कितना, ये हो गया एक्स बटे दुगनी अगर चार कर दे बी प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पर एक्स बटे टू बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये मिला। अब एलसीएम ले लीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपको। एलसीएम लोगे तो एक्स तो आ जाएगा बाहर, और एक्स इधर से इधर दोनों साइड से कॉमन, यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू कॉमन, तो टू बी बटे यहाँ बट जाएगा बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, तो कितना हो गया 20/100। तो ठीक है, यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स ले लोगे तो कैंसिल हो गया, बी से बी कटा तो ये हो गया 4b बटे कितना हो गया 4b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो ये हो गया 5, है ना। यहाँ से ऐसे काट दीजिए 2, ये मिला 10। तो अब इधर उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही इधर इधर मल्टीप्लाई करोगे सोल्व करने पर आपके पास देखो यहाँ बचा 5 × 2 = 10, 10 मिला, तो यहाँ बच गया 10b² + 10w² इधर तो कुछ नहीं बचा, ये 4b² - w² ठीक है ना। ये 10 में से 4 जाने के बाद बचेगा 6 इधर, है ना, कितना बचा 6, इधर हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पे बचे आपके पास, यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 6 बचे, कितने बचे 6b² और इधर कितना बचा आपका 9, कितना 9w², तो बटे में पहुँच दीजिए, कितना होगा b बटे w बराबर कितना 3/√6, रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ठीक है ना, 3√6/6, तो यहाँ से काट दीजिए 2, तो b माइनस डब्ल्यू बटे कितना रहेगा 6√2, ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। तो यहाँ तक बताइए अगर कोई समस्या है तो आपको, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा होगा, 54, एक मिनट दोस्तों देखता हूँ। एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 × समय में, कितना है 3 × समय में तय करती है, ठीक है। तो 3 × समय में तय करती है, जो व्यक्ति जो करना है आपको हम बताइए क्या करोगे। अब यहाँ पर करना बस ये है, देखिए यहाँ पर सपोज करो कि नौका की चाल तो है 9 और प्लस W, पानी के साथ चला तो 1 घंटे का समय लिया गया, पानी के साथ कितने का लिया गया 1 घंटे का समय। अच्छा अगर पानी के अपोजिट होता तो अब क्या करते, 9 − kW और कितना चलता ये आपका 3 × समय, तो 9 + W तो एज इट इज, ये कितना हो 9 × 27 और ये हो गया 3W, तो इधर W ये 4W और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 18। अगर ये 18 हुआ तो 18 होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये मिला यहाँ पे 18, ठीक। 18 से यहाँ पे आपको डिलीट करना वैल्यू कुछ, ठीक है ना, क्या करनी होगी, डिलीट करनी होगी, तो कर दीजिए, कितना मिलने वाला है दोस्तों। तो एक मिनट दोस्तों, कहीं थोड़ी सी गलती हुई, देख लेते हैं पहले, कोई बात नहीं।
गलती हुई दोस्तों। अब गलती हुई कहाँ पे? ये ना जो गलती यही है कि वो स्थिर पानी में है दोस्तों। स्थिर पानी के मतलब विपरीत नहीं है वो। अगर आप उसे विपरीत सोचते हो तो वो विपरीत नहीं है, है ना? तो वो कैसा है? स्थिर पानी की वजह से, इस वजह से थोड़ी सी गलती हुई हमें। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देते हैं ऐसे। ठीक, तो मान लिया कि वो 9 की स्पीड से, तो 9 से ही ठीक है ना। तो इधर बचा 9 ओनली, 9 है तो इधर क्या करोगे? तो 9 अगर है तो इधर ले, जाहिर सी बात है इधर 9 को घटा दीजिए। 9 घटाने पर कितना बच जाएगा आपका? ये बचा 3W। ठीक है, बस 3, तो ये हो गया W बराबर, एक मिनट, W बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या आया? W बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु धारा के प्रतिकूल वही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, शांत जल में 6 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, ठीक है ना? तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 6। बी की वैल्यू होगी 6, 1 घंटे का समय, ठीक है ना? अच्छा, परंतु धारा के प्रतिकूल वही दूरी 3 गुना समय, 6 किलोमीटर ही आपकी कितना समय ले रही है? ये समय ले रही है आपका, ध्यान दीजिए, प्रतिकूल है 3 गुना समय। प्रतिकूल तो, एक मिनट हो जाइए, -W और 3 गुना समय लिया, ठीक है, ये तो 6 7 18 और 3W इधर हो जाएगा 3W, ये बचा 12, 3 चौक 12, तो W बराबर कितना हुआ? 4 किलोमीटर। कितना रहा? 4 किलोमीटर W बराबर, ठीक है ना? तो W की वैल्यू मिली आपको यहाँ पे 4 किलोमीटर। ये आंसर ठीक है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में प्रतिकूल वापस आता है। ठीक है, यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी चाल बताइए। देखिए, बी प्लस 6 यानी अनुकूल है, 1 घंटे में गया, उसके 4 गुना समय लिया उसने, बी माइनस डब्लू कितने में लिया? बी माइनस डब्लू नहीं, बी माइनस 6, कितना रहा? बी माइनस 6, तो बी प्लस 6 तो एज इट इज, तो हो गया 4B और 4 6 24 और बी इधर घट जाएगी, ये हुआ कितना? 30, ये कितना हुआ? 3B, तो बी बराबर कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना रहा आंसर आपका? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन तो सोल्व हो चुके, ठीक है ना दोस्तों? अब चलते हैं नेक्स्ट पर। एक तैराक धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग इतने किलोमीटर, तैराक धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी? धारा के विरुद्ध अपोजिट तो चाल घट जाएगी, तो 11 माइनस के 1.5, तो कितना रहेगा? 11 माइनस के 1.5 ये रहेगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना? 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल रहेगी। तो ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 14 घंटे में जाता है तथा धारा के विपरीत धारा विपरीत दिशा में 12 घंटे में लौटता है, धारा की गति क्या है? तो उसने कहा बी प्लस डब्लू बराबर 18/14 और इसी तरीके से बी माइनस डब्लू बराबर क्या कहा यहाँ पर? 18/12, ठीक है। तो W की वैल्यू निकालनी है, अगर W की वैल्यू निकालनी होगी सबसे पहली बात तो यहाँ पे एलसीएम लेना होगा आपको, ठीक है। तो करना क्या होगा? तो W अगर निकाल ले आप W, तो
तो डब्ल्यू निकालने के इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद सोल्व कर दीजिए। तो जैसे ही सोल्व करोगे आप, मिलेगा कि आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 18 तो ले लिया कॉमन, यहाँ पर कितना रहा है 1/14 माइनस के 1/12, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलसीएम क्या, 18 तो एज इट है, यहाँ पर 12 और 14, ये क्यों दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो रहा, जिसकी वजह से आंसर माइनस में मिली, ठीक है ना। क्योंकि जब भी चाल होगी वो माइनस में नहीं मिलेगी, माइनस में मिलने से है ना इसका मतलब, क्योंकि देखो यहाँ पर धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 14 घंटे में, धारा के विपरीत 12 घंटे, तो जाहिर सी बात है इतनी दूरी 12 घंटे में कभी भी कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 32 किलोमीटर तय करती है, धारा की दिशा में 6 घंटे में इतनी तय करती है, तो शांत जल में बी की चाल, ठीक है ये कर लेंगे हम। तो देखो बी माइनस डब्ल्यू बराबर करना क्या होगा, 32/5, और यहाँ पर बी प्लस डब्ल्यू धारा की दिशा है तो चाल ऐड हो जाएगी 49.2/6। यहाँ पे से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया आपका, ये हुआ 5×30 और 5×20, यहाँ पर कहते हैं 6×48 बचा 1×6×12। तो बी की वैल्यू पूछी गई, बी की वैल्यू क्या, दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से भाग करते 6, ये बच हो रहा है 7 कितना रहा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन कौन सा रहा, डी ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो अनुप्रवाह 4 मिनट में तय करता है, तो प्रवाह की गति क्या है। तो वैसे तो बी इसमें कहा यह गया, जो बी माइनस डब्ल्यू है वो 1 किलोमीटर कितने में गया, 10 मिनट में, 10 मिनट का मतलब 60 के गुणा कर दीजिए तो ये कितना मिला, 6। इसी तरह ये गया 4 मिनट में, 1/4 तो 60 के गुणा कर दीजिए तो मिला 15। तो प्रवाह की गति यानी डब्ल्यू पूछा गया, डब्ल्यू अगर पूछा गया दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद डिवाइड कर दोगे, ऐड कर दोगे तो कितना मिला यहाँ पे, ये मिला 21 है ना, सॉरी घटाना होगा, कितना घटाना होगा, ये बनना 9। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर मिला, कितना रहा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है ना। तो दोस्तों एक आवश्यक सूचना थी आप सभी के लिए, आवश्यक सूचना क्या थी कि हमारे इसी चैनल पर दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको पर डे अवेलेबल करा दी जाती है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की क्लास में क्या है, आपकी हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में करंट अफेयर्स आपको मिलती है। हिंदी की क्लास 4 AM मॉर्निंग में शुरू हो जाती है और ये होती है 5 AM से, ठीक है ना। तो अगर ये मॉर्निंग में है तो ये है आपकी मॉर्निंग और ये है आप, ये भी मॉर्निंग में ही, ठीक है ना। बट ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, आपको जो भी ठीक लगे आप उस क्लास को देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, एक बेनिफिट ये है आपका कि ये शॉर्ट वीडियो हो जाए, कैसा है ये शॉर्ट वीडियो हो जाए, 1 मिनट में आप सारा जितनी भी आपकी यानी करंट अफेयर्स है वो समाप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सिर्फ अपना समय बचाइए और ज़्यादातर अपनी और काम कर लीजिए, साथ में और पढ़ना चाहो तो और ज़्यादा पढ़ सकते हो आप इसके जगह, ठीक है ना। तो देखिए ज़रूर कोशिश कीजिए। तो आज की क्लास दोस्तों यही ख़त्म करने जा रहे हैं हम, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी कोई भी शिकायत सुझाव या कुछ भी आप क्वेरी चाहते हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे इसी चैनल पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट ही सिलेबस हो चुका है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ रही, कंप्यूटर वाले टीचर की वजह से थोड़ी सी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर उनसे हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल से मैं ये इसके आपकी क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो हमारे इस पे मैथमेटिक्स भी दोस्तों देख लिया जाए तो कंप्लीट हो चुका है, क्या मैथमेटिक्स भी कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स यानी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। और उसके बाद इंग्लिश नहीं यहाँ पर हिंदी भी कंप्लीट है दोस्तों हमारी, ठीक है ना, हिंदी। और यहीं पे अगर देख लीजिए तो आपके इस पे करंट अफेयर्स भी पर डे आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, करंट अफेयर्स, ठीक है ना। तो
करते हैं मॉर्निंग में 4 और 5 बजे, तो सभी तकरीबन कंप्यूटर की क्लास बची हुई दोस्तों, उसका अब कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द उसकी क्लास शुरू कर दी जाए। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं संजीव तोमर एक बार फिर विदाई लेता हूँ आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए, ठीक है दोस्तों। तो कब तक तैयारी रखनी, जो जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।